कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे, बिल्कुल। आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है? सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है। सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हट रहा, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है? यस सर भी बोलना है बात, ठीक है। अच्छा ठीक है, चेहरे के लिए आप किन किन ने वन टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर वन टाइम सीपीयू निकाल के, अब एक बार अपने नंबर बता देना कि इन्होंने एक एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो। कौन कौन ने ज्यादा किया है एक बार नंबर बोल दो अपना। आठ बार बैठे रहकर, आठ बार, आठ बार किया तुमने? तीन बार सर। तीन बार? दो बार। दो बार नंबर बोलते रहो। दो बार सर। दो बार नंबर बोलते रहो बस। चौदह बार सर। चौदह बार, क्या बात कर रहे हो इतना? दो बार किया है, ये फेक तो नहीं बन रहा है? बताओ। तीन बार ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है। और इसके लिए आप किसको यहाँ पर देना चाहेंगे क्लैप? इसके लिए किसको क्लैप देना चाहेंगे यहाँ पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक रिंगर के सेक्शन में अगर मान लीजिए कि टिप्स निकल गए हैं तो मुझे कौन कौन से कंपोनेंट मिल सकते हैं, मुझे ये बताओ, जिससे मैं उनको बना सकता हूँ। जीजा साला मिलेंगे। जीजा कितने, साला कितने? दो जीजा मिलेंगे, दो साले मिलेंगे। दो जीजा और दो साले और एक और बीच में कौन लटका होगा? एक नकारा सा, नकारा सा साला होगा। अच्छा उसके बाद में दो क्या मिलेंगे आपको? दो चप्पल मिलेंगी। अच्छा ये बताओ कि ये जो साले हैं ये और कहाँ कहाँ लगे होने चाहिए? साले पूरे पूरे बोर्ड में ही लगे होते हैं, ऑब्वियस है। तो ये बेसिकली कहाँ के नहीं निकलने चाहिए? ये काले जामुन के पास। काले जामुन किसके पास नहीं निकलना चाहिए? काले जामुन के पास नहीं निकलने चाहिए सर। पावर सेक्शन और ये लाइट सेक्शन सब बकवास है, लॉजिकल काम नहीं होता है यहाँ पर। लॉजिकल काम नहीं करता कोई भी आदमी, आदमी इसे बोल देता है कि पावर सेक्शन और लाइट सेक्शन, पर ये लॉजिकल कुछ अलग है ना। हाँ अच्छा जो हो जाए हैं करोड़पति जाने को आपसे छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि क्या ईएमसी में जो हार्डवेयर घुसा देते हैं लोग तो उससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा थोड़ा बता दो, क्योंकि आप ईएमसी क्लास चलाते हो, हमारे यहाँ कब से ईएमसी क्लास चल रही है, मिलन सर की है, तो क्या होता है उसमें अगर ईएमसी में हार्डवेयर घुसा दिया जाए 10 दिन के कोर्स में तो क्या होगा? तो उसमें आप सही तौर पे प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे, अब यूएफआई इजेड आप ना ही डेट सेक्शन सीख पाएंगे, बेड़ा गड़ हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बस एक सेट को लेकर आप बैठ जाएंगे इसी में 10 दिन निकल, और आपका सेट चालू भी कर देंगे, पर वही सेट चालू होगा, फिर घर जाके कौन सा सेट चालू होगा, आप दूसरे नहीं कर पाएंगे। और जनरली ये भी है कि हाँ थर्मिस्टर को ढूंढा नहीं जा सकता, पर क्या आपको आप थर्मिस्टर ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते? कौन कौन ढूंढ सकते, हाथ उठा के बता दो यहाँ पर, आप लोग थर्मिस्टर ढूंढ सकते हैं बकायदा? थर्मिस्टर जैसे तीन जगह कहाँ कहाँ लगाओ, आपने तो समझा होगा यूट्यूब में देखा होगा कि पावर सेक्शन से नहीं निकलना चाहिए, पर क्यों नहीं निकलना चाहिए, उसका रीजन मिला कि नहीं मिला यहाँ पर? बिल्कुल लाइट सेक्शन के क्यों नहीं निकलना चाहिए? मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप 13 साल से काम करने के बाद आपको घमंड नहीं है कि सर मैं 13 साल का एक्सपीरियंस बंदा हूँ, मुझे मैं बिल्कुल जीरो हूँ यहाँ पे आया हूँ, मैं आपसे सीख रहा हूँ और फिर उनकी हेल्प कर रहा हूँ। 200 ओम्स में चेक करेंगे। अच्छा ये बताइए कि अगर मान लीजिए एक रजिस्टर उखड़ गया है सीपीयू के बगल से और टिप्सी खाली है, तो आपको कैसा पता चलेगा कि वहां पर रजिस्टर लगाऊं कि वहां पर जंपर लगाऊं कि क्या लगाऊं वहां पर, बताओ? वो वहां पर सर पहले अपने कूल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ तो देखना पड़ेगा सीरीज है पैलर है। हाँ तो अगर सीरीज में तो जंपर का दे। हाँ पैलर है तो हाई वोल्टेज रजिस्टर लगा दे। और अगर सीरीज में भी आपको चेक करने को बताया था एक चीज कि सीरीज में भी अगर आपको ये चेक करना है जो आपको पता है, तो अगर वहां पर वो चेकिंग आपकी आई तो वहां पर आप वापस वहां पे हाई वैल्यू का क्या लगाओगे? नहीं तो दो लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी? शॉर्ट हो जाएंगी। करूंगा पर क्या लगा आपको यहाँ पे, क्या किया आपने? सर मैंने सोचा था कि जैसा नॉर्मल इंस्टीट्यूट में होता होगा वैसा ही होता होगा, पर यहाँ आके पता चला वाकई में कंपोनेंट क्या होता है, ट्रेसिंग क्या होती है। कितने बजे से कितने बजे तक आ रहे हो आप? सर यहाँ सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे, मतलब यहाँ पे सुबह, ये सही कह रहे हैं कि नहीं सही कह रहे हैं? सुबह 8 बजे टाइमिंग बताओ। अब्दुल एडमिशन लिया हुआ, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। 4 महीने, 4 महीने पहले से। कौन कौन ऐसे है जिन्होंने 4-5 महीनों से ट्राई कर रहे थे जिनका यहाँ पर? देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सच्चाई है यहाँ पर। आप लोग में से अभी मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या बोलना चाहोगे यहाँ पर उन लोगों के लिए जो हमको डायरेक्ट बोलते हैं कि सर हमको कॉल कर रहे हैं कॉल नहीं उठा रहे? पर आप लोगों से भी कॉल नहीं उठाए ना हमने शुरुआत में, फिर भी आप आए ना, क्योंकि हमें अगर कहीं जाना होता है तो मन में विश्वास और एक रहता है कि नहीं हम तो जाएंगे वहां पे, भले ही वो कॉल ना उठाए, क्योंकि सीखना तो हमें वहीं पे है। जब 4 महीने से आपको ये नहीं लगा क्यों नहीं मुझे तो सीखना है, दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, क्यों ना मैं किसी और जगह चले जाऊं, फिर मेरी जगह पास क्यों आया? ये
क्योंकि यहाँ से अच्छा सीखा था। दो फोल्ड कौन कौन से? एक ओपन हो गया और एक लिखे। देखो आपने समझाने का तरीका यहाँ पर आपको समझाया इसी तरीके से क्योंकि दिमाग में घुस गया है ये चीज। रट्टा मार के तो नहीं आए हो ना सर? रट्टा मारेंगे तो सर चेक कैसे कर पाएंगे? आपने प्रैक्टिकल किया ना यहाँ पर चेकिंग? हाँ जी। एंड्रॉइड का पहले बेसिक कॉम्पैट नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि एंड्रॉइड के अलावा आईफोन में भी कॉम्पैट ही आएगा सबसे पहले। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप ये क्लास अटेंड नहीं करते और सीधे आईफोन सीखने चले जाते तो क्या नुकसान होता आपका बताइए? सिर्फ आईसी सिर्फ A8 CPU A9 A10 CPU को निकाल कर लगाने से सीखना सीख नहीं होती सर। पूरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। हर बात थोड़ी ना A8 निकालोगे, हर थोड़ी ना CPU को स्वैपिंग करोगे, नहीं डाल सकते सर। आपको डायग्नोस करना नहीं आएगा, मेन है डायग्नोस करना, फॉल्ट फाइंडिंग, जो आप नहीं सीख सकते 7 दिन के अंदर जब तक आपने पूरा अपना एंड्रॉइड नहीं सीखा। तो मैं सारे आईफोन सीखने वाले भाइयों से यही कहूंगा कि अगर आप काम सीख रहे हो तो पहले क्या सीख लो? एंड्रॉइड। अब मैं बोलता हूं मेरे पास मत आओ, दुनिया में कहीं भी जाओ पर जाओ पर सीखो जरूर। तो फिर अब आपको क्या लगता है, अब वही कॉम्पोनेंट अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी मेरे नवे स्टूडेंट को सिखा दो तो सिखा दोगे कि नहीं सिखा दोगे? बिल्कुल। मतलब अगर मैं उससे बोलूं कि यार ये रजिस्टर्ड है, ये बोर्ड है, इसमें पूरे कॉम्पोनेंट को सिखाना है, कल मैं उससे पूछूंगा कि रजिस्टर कैसे चेक करना है तो वो चेक कर लेगा? पक्का? क्या आप बताओ, आप क्या आप सिखा नहीं सकते क्या? आप में से कौन कौन लोग सिखा सकता है किसी को सर? तो ये जितने भी इंस्टीट्यूट बचे हुए हैं उनको सिखाने आप लोग जाएंगे क्योंकि इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसी टेलीकॉम। मेरे साथ में है 28 नंबर का बैच और यहाँ पे मेरे साथ में है फिरोज सर और हमारे साथ है दुर्गेश सर और यहाँ पे हम कर रहे हैं हमारा 5 दिन का आउटपुट जो कि इस बार बहुत लेट हो गया था। रीजन क्या है कि रिजल्ट हम लोग को समय नहीं मिल पा रहा था कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और वीडियो के दौरान हम लोग डालने का समय नहीं मिल पा रहा था और रीजन यही है और कुछ रीजन है नहीं है। सो देखा जाए, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि किन किन लोगों को फर्स्ट डे में आकर सब आप सबको रिबॉलिंग कराई गई। सो पहले बात मुझे यह बताओ कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आया था, बिल्कुल आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है? सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है। सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर? आप सबको रिबॉलिंग आती है? यस सर भी बोलना है एक बार, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, आदि चेहरे के लिए आप किन किन ने वन टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर वन टाइम सीपीयू निकाल के अब एक बार अपने नंबर बता देना कि इन्होंने एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो। कौन कौन ने ज्यादा किया है एक बार नंबर बोल दो अपना। 8 बार बैठे रहकर 8 बार 8 बार किया तुमने? 3 बार सर। 3 बार? 2 बार नंबर बोलते रहो। 2 बार सर। 2 बार नंबर बोलते रहो बस। 14 बार सर। 14 बार? क्या बात कर रहे हो इतना? 2 बार किया। ये फेक तो नहीं बन रहा है? बताओ। 3 बार ऑन मोबाइल में? बिल्कुल आपने किया है। और इसके लिए आप किसको यहाँ पर देना चाहेंगे क्लैप? इसके लिए किसको क्लैप देना चाहेंगे यहाँ पर? यहाँ पर और बाकी 3 बार 4 बार। चलो फ्रेशर कौन कौन थे वो लोग बताओ जिन्होंने किया फ्रेशर। आप फ्रेशर थे, आपने कितने बार किया? 3 बार किया। 3 बार किया फ्रेशर थे। इससे पहले किया था क्या आपने? कैसा लगा आपको यहाँ पर? अच्छा लगा। मतलब इसे टेलीकॉम को ज्वाइन किया आपने, सोचा होगा इतनी उम्मीदें लेके आ रहा हूँ, इतनी सारी दुनिया में इतने सारे इंस्टीट्यूट है, तो फिर इसे टेलीकॉम को क्यों चुना आपने? सर यहाँ के रिव्यू अच्छे थे, मतलब जो बोलते थे लोग वो सब अच्छे थे, दिल से बोलते थे, ऐसा लगता था देखने से वीडियो। तो ये चीज आप मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही लगता था कि कोई और भी सामने। तो ये अंदर से आ रही है आपके? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो क्लास है जैसे ये आपने देखा होगा यहाँ पर। अच्छा मुझे वो लोग हाथ उठा दो जिनको ऑल कॉम्पोनेंट, मतलब पीसीबी में आपको कोई सा भी कॉम्पोनेंट दे दो अगर कितने भी टाइप का, और आईसियां 80%, मैं 20% फिर भी नहीं बोलूंगा, मैंने क्लास में भी नहीं बोली है, 80% कम से कम 80% आईसियां आप पहचान लोगे, एटलीस्ट पावर सेक्शन सीपीयू आपका पावर आईसी पीएम पीएमआई पीएमएल या फिर कोई सी भी वाईफाई हो गया या जीपीएस हो गया, कोई सी भी आईसी अगर जैसे अदर जैसे हम बात करें ब्लूटूथ आईसी हो गया, आरएफ आईसी हो गया, पीएफओ हो गया, ये कौन कौन पहचान लेगा? हाथ उठा दो जरा। हार्डवेयर देख कर साथ ही पहचान लेंगे। सो आप लोग पहचान लेंगे, ठीक है। और आप लोगों को कॉम्पोनेंट का भी नॉलेज है यहाँ पर। सो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ में, हमारे सारे एक स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? आप ऐसे आ जाओ थोड़ा, इनको जगह थोड़ा यहाँ पे बीच में आ जाओ, आप ऐसे आ जाओ। आपका नाम क्या बताइए? हिमांशु। आप कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब से आया। आप ये बताओ पंजाब से आपने पहली बार, मैं आपसे सिर्फ सवाल करता हूँ उसके बाद मैं पूछूंगा कि आपको कैसा लगा क्या लगा। आप मुझे बताओ कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं? 6 टाइप के रजिस्टर। कौन कौन से बताइए?
अपना सिंपल रजिस्टर हो गया, हाँ रजिस्टर, हाँ लोड रजिस्टर, फ्यूज रजिस्टर, वीडीआर और थर्मिस्टर। कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं? ट्रांजिस्टर दो टाइप के। कौन के, कौन से? एनपीएन पीएनपी। कितने टाइप के कॉइल होते हैं? कॉइल चार टाइप के। कौन कौन से? ड्यूल कॉइल और बूस्ट कॉइल और कपलर। कपलर बिल्कुल सही। कितने टाइप के डायोड होते हैं? तीन टाइप के डायोड। कौन कौन से? डायोड, जेनर डायोड, एलईडी डायोड। और कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं? छह टाइप। कौन कौन से? सिंपल रजिस्टर, ड्यूअल रजिस्टर, कोड रजिस्टर, फ्यूज रजिस्टर, वीडीआर और थर्मिस्टर। अच्छा, ये आप सबको पता है कि नहीं पता? हाथ उठा के बता, किसको पता है? बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे हिमांशु एक और बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मान लो मेरे पास MTK का सीपीयू लगा हुआ है तो उसमें सीपीयू कौन कौन से आते हैं? तीन सीपीयू कौन कौन से आते हैं? MTK में 62 सीरीज का सीपीयू आता है, 65 का आता है, 67 का आता है। और अगर पावर आईसी का क्या होगा नंबर? पावर आईसी का 63 नंबर, 63 होगा। ऐसे ही वाईफाई आईसी होगा, आरएफ आईसी होगा, ये सारे आपको पता है कि नहीं पता है? ठीक है, पता है। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर अब सच बताओ, आपसे मैं कुछ भी पूछ लूँ तो आप तो बता दोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक रिंगर के सेक्शन में अगर मान लीजिए कि टिप्स निकल गए हैं तो मुझे कौन कौन से कंपोनेंट मिल सकते हैं, मुझे ये बताओ, जिससे मैं उनको बना सकता हूँ। जीजा सारा मिलेंगे। जीजा कितने साल है? कितने? दो जीजा मिलेंगे, दो सारे मिलेंगे। दो जीजा और दो साले और एक और बीच में कौन लटका होगा? एक नकारा साला, नकारा सा साला होगा। अच्छा, उसके बाद में दो क्या मिलेंगे आपको? दो चप्पल मिलेंगी। अच्छा, ये बताओ कि ये जो साले हैं ये और कहाँ कहाँ लगे होने चाहिए? ये साले पूरे पूरे बोर्ड में ही लगे होते हैं, ऑब्वियस है। तो ये बेसिकली कहाँ के नहीं निकलने चाहिए? ये काले जामुन के पास। काले जामुन किसके पास नहीं निकलना चाहिए? काले जामुन के पास नहीं निकलने चाहिए सर। पावर सेक्शन और ये लाइट सेक्शन सब बकवास है, लॉजिकल काम नहीं होता है यहाँ पर। लॉजिकल काम नहीं करता कोई भी आदमी। आदमी इसे बोल देता है कि पावर सेक्शन और लाइट सेक्शन, पर ये लॉजिकल कुछ अलग है ना। कि हम, आपने तो समझा होगा, यूट्यूब में देखा होगा कि पावर सेक्शन से कि नहीं निकलना चाहिए, पर क्यों नहीं निकलना चाहिए? उसका रीजन मिला कि नहीं मिला यहाँ पर? बिल्कुल लाइट सेक्शन के क्यों नहीं निकलना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर कैसा लगा आपको? सच बताओ, अपना एक सही रिव्यू दीजिए। बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे आकर। इससे पहले मैं 13 साल से काम कर रहा हूँ। 13 साल से काम कर रहे हैं, क्या बात है। की नॉलेज आके जो प्रॉपर मिली मुझे यहीं पे आके मिली है। और सच बता, इनके लिए बहुत जोरदार क्लैप कीजिए आप लोग। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप 13 साल से काम करने के बाद आपको घमंड नहीं है कि सर मैं 13 साल का एक्सपीरियंस बंदा हूँ। मुझे, मैं बिल्कुल जीरो हूँ यहाँ पे आया हूँ, मैं आपसे सीख रहा हूँ और फिर उनकी हेल्प कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं, आप जब यहाँ आए तो आपको क्या लगा कि मुझे यहाँ क्या सीखने को मिलेगा? अच्छा, आपने डायरेक्ट ईएमएमसी क्यों नहीं की? 13 साल से काम कर रहे हो, डायरेक्ट सीधे डेड मोबाइल बनाना क्यों नहीं चालू किया? क्योंकि जनरली लोग यही कर रहे हैं। एक बार मैं दुर्गेश सर से पूछना चाहता हूँ और फिर अपने फिरोज सर से पूछना चाहता हूँ कि फिरोज सर क्या हो रहा है मार्केट में, जो स्टूडेंट डायरेक्ट क्या चीज पे जा रहे हो उसके बाद फिर घूमते रहते हैं पूरे देश भर? डायरेक्ट सर उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती है, कंपोनेंट हो या फिर ट्रेसिंग सप्लाई की, वो सोचते हैं कि जो भी यूट्यूब से देख के करते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ आता है, तो डायरेक्ट वो एमएमसी चले जाते हैं डेड सेक्शन सीखने के चक्कर, डेड बनाना चाहते हैं बस। और डेड कुछ सेक्शन ऐसा नहीं होता है, पूरे मोबाइल का हर सेक्शन में से कहीं से मोबाइल डेड हो सकता है। डेट का क्या बोलना चाहोगे, क्या पंडा है तुम, क्या समझाते हो हमेशा क्लास में दुर्गेश, बताइए। डेट कहीं से भी हो सकता है, डेट का मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर कहीं से भी डेट हुआ, डेट सेक्शन वाइज डेट होता है, रिंगर, माइक, डिस्प्ले, कहीं से भी डेट हो सकता है, क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज, अगर ट्रेसिंग और कंपोनेंट्स का नॉलेज नहीं है तो आपसे डेट कभी प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन, तो ये सारी चीजें हैं। क्या दो दिन में, तीन दिन में समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते। छह दिन में, सात दिन में समझ सकते हैं क्या? क्यों? इसके लिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो मैं आपसे छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि क्या ईएमएमसी में जो हार्डवेयर घुसा देते हैं लोग तो उससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा थोड़ा बता दो, क्योंकि आप ईएमसी क्लास चलाते हो, हमारे यहाँ कब से ईएमसी क्लास चल रही है, मिलन सर की है, तो क्या होता है उसमें अगर ईएमसी में हार्डवेयर घुसा दिया जाए 10 दिन के कोर्स में तो क्या होगा? तो उसमें आप सही तौर पे प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे, अब यूएफआई इजेड और ना ही डेट सेक्शन सीख पाएंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बस एक सेट को लेकर आप बैठ जाएंगे इसी में 10 दिन निकल, और आपका सेट चालू भी कर देंगे, पर वही सेट चालू होगा, फिर घर जाके कौन सा सेट चालू होगा? आप दूसरे नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ये रीजन है यहाँ पर। तो थैंक यू वेरी मच हिमांशु, आप बैठ सकते हैं। सो यहाँ पर अब इसके साथ मेरा एक दूसरा स्टूडेंट में आपको खड़ा करूंगा, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप आप कहाँ से आए हैं? सर मैं कोटा राजस्थान से। आप मुझे बताइए तीन टाइप के रजिस्टर। सर थर्मिस्टर, वीडीआर और फ्यूज रजिस्टर। थर्मिस्टर में आपसे पूछना चाहता हूँ, आज सबसे पूछना चाहता हूँ कि थर्मिस्टर एक बहुत बड़ा मसला है, लोगों को थर्मिस्टर चेक करते नहीं आता है, और जनरली ये भी है कि हाँ थर्मिस्टर को ढूंढा नहीं जा सकता, पर क्या आपको, आप थर्मिस्टर ढूंढ सकते कि नहीं ढूंढ सकते? कौन कौन ढूंढ सकते, हाथ उठा के बता दो यहाँ पर, आप लोग थर्मिस्टर ढूंढ सकते हैं बाकायदा? थर्मिस्टर जैसे तीन जगह कहाँ कहाँ लगा हो सकता है? सर एक ये पावर सेक्शन में लगा हो सकता है, चार्जिंग सेक्शन में लगा हो सकता है, और रेडियो, पर वो नॉर्मल रजिस्टर जैसा नहीं दिखता है, पर दिखता कैसे ये हमको पता है ना। अच्छा, उसके काम क्या करता है थर्मिस्टर? सर
सर वो हीट को सेंस करता है। हीट को सेंस करता है, तो हीट को सेंस करने के बाद क्या काम करता है? सर वो एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद में क्या फॉल्ट आ जाता है? चार्जिंग पॉज, वो चार्जिंग एनेबल कर देता है, वो सीपीयू को चार्ज होने नहीं देता। सो रीजन ये है ताकि वो टेम्परेचर को ज्यादा ना भर जाए और आपका सर्किट में फॉल्ट ना आ जाए। सो सर ये हमें थर्मिस्टर को हटाना पड़ता है तो रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा आपने क्या बताया, दूसरा रजिस्टर? फ्यूज रजिस्टर क्या काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। ये सीरीज होता है कि पैलर होता है? सीरीज होता है। फ्यूज रजिस्टर अगर निकाल दिए जाए सो आप जंपर मारोगे कि रजिस्टर चेंज करोगे? क्या रजिस्टर चेंज करोगे, दूसरा फ्यूज रजिस्टर लगाओगे? ये कहाँ लगे हो सकते हैं मेनली? चार्जिंग सेक्शन में लगे हो सकते हैं। और कहाँ लगे हो सकते हैं? चप्पल जैसे। और कहाँ लगे हो सकते हैं? चप्पल की तरह लगे हो सकते हैं कि नहीं लगे हो सकते हैं? क्योंकि रीजन यही होता है कि हम ज्यादा रहे, जब हम पावर, जब हम बड़े बड़े होम थिएटर से अपना मोबाइल फोन को जोड़ते हैं 3.5 mm जैक कनेक्टर से, तो रीजन ये होता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करता है। यहीं पर जहां पे ये नहीं होता है वो सीधे उसकी या तो ऑडियो या तो पावर इसी को निकाल देता है। सो जैसे कि हमने देखा, कैसा लगा आपको यहाँ पे? आपने तीनों चीज बताई, बाकी भी बता सकते हैं कि सीरीज हो गए, कॉम्पोनेंट पैलर हो गए, या तो मैं आपसे पूछूं कि ट्रेसिंग हो गई, ट्रेसिंग आएगी कि नहीं आएगी? अगर आईसीयू की पहचान, अगर मैं आपको एक रिंगर या एक माइक, या आपको माइक दे दूं और टिप्स निकले हैं तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? दो लाइन कौन सी होती है माइक में बताओ? प्लस माइनस तो सर्किट हो गया, ये तो हमारा नॉलेज हो गया जो हम आप लोगों को देते हैं। VDD और एक क्या होता है? डाटा। दो लाइन क्या होती है? VDD और डाटा। वोल्टेज किस में आता है? केवल VDD में। सो डाटा को पहचानने का तरीका जो हमने बताया था वो बताया कि नहीं बताया? क्या आप कोई से भी माइक को निकालकर क्रिस्टल माइक को या डिजिटल माइक को निकालकर यूनिवर्सल माइक में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या सोचा था कि ऐसा टेलीकॉम जाऊंगा, कुछ झंडे गाड़ूंगा, पर क्या लगा आपको यहाँ पे, क्या किया आपने? सर मैंने सोचा था कि जैसा नॉर्मल इंस्टीट्यूट में होता होगा वैसा ही होता होगा, पर यहाँ आके पता चला वाकई में कंपोनेंट क्या होता है, ट्रेसिंग क्या होती है। कितने बजे से कितने बजे तक आ रहे हो आप? सर यहाँ सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे। मतलब यहाँ पे सुबह, ये सही कह रहे हैं कि नहीं? सही कह रहे हैं। सुबेरे 8 बजे टाइमिंग बताओ अब्दुल, या हमारे बांग्लादेश से आए, थैंक यू वेरी मच, इंग्लिश क्लैप हो जाए एक बार। अब्दुल आप कहाँ से हो? बांग्लादेश से आए आप? इतनी दूर इंडिया में मुझे क्यों, बाकी दिल्ली बॉम्बे और इतने बड़े बड़े शहर में क्यों नहीं? मैं यूट्यूब पे देखा तो रिव्यू अच्छा था, ये आया तो अच्छा लगा। अच्छा लगा। कितने महीनों पहले से आपने टिकट बुक की है या फिर आपने एडमिशन लिया हुआ है? मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। 4 महीने। 4 महीने पहले से। कौन कौन ऐसे है जिन्होंने 4-5 महीनों से ट्राई कर रहे थे जिनका यहाँ पर? देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सच्चाई है यहाँ पर। आप लोग में से अभी मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या बोलना चाहोगे यहाँ पर उन लोगों के लिए जो हमको डायरेक्ट बोलते हैं कि सर हमको कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहे? पर आप लोगों से भी कॉल नहीं उठाए ना हमने शुरुआत में, फिर भी आप आए ना? क्योंकि हमें अगर कहीं जाना होता है तो मन में विश्वास और एक रहता है कि नहीं हम तो जाएंगे वहां पे, भले ही वो कॉल ना उठाए, क्योंकि सीखना तो हमें वहीं पे है। जब 4 महीने से आपको ये नहीं लगा कि नहीं मुझे तो सीखना है, दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, क्यों ना मैं किसी और जगह चले जाऊं, फिर मेरी जगह पास क्यों आया? क्योंकि यहाँ से अच्छा सीखा था इसलिए। आप बिल्कुल फ्रेशर हो ना? मैंने 5-6 साल काम किया हुआ है। अच्छा तो ये बताइए, 5-6 साल काम किया है और अब के अब्दुल में और पहले के अब्दुल में कितना अंतर है? फर्क तो पड़ते है सर, ये में कंपोनेंट्स का नॉलेज हो रहा है, आईसी रिवोल्विंग थोड़ा सा अच्छा, रिवोल्विंग पहले से किया था लेकिन यहाँ से आने के रिवोल्विंग करने के तरीके अलग है, तो अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा ना यहाँ पर। सो अब्दुल मैं आपसे पूछता हूँ कि उन्होंने 3 टाइप के रजिस्टर बताए, उन्होंने बताया कोड रजिस्टर, नहीं फ्यू रजिस्टर, थर्मिस्टर और नॉर्मल, ये बताया आपने। आप बताओ मुझे कोड रजिस्टर एक बता दो। कोड रजिस्टर में अगर बताओ 3R9 की वैल्यू बताओ। 3R9 की वैल्यू 3.9। इसको अगर हम चेक करेंगे तो रजिस्टर में कितने फॉल्ट आते हैं बेसिकली? 2 फॉल्ट। कौन कौन से? एक ओपन होगा और एक लीकेज। देखो आपने समझाने का तरीका, यहाँ पर आपको समझाया इसी तरीके से क्योंकि दिमाग में घुस गया है ये चीज। रट्टा मार के तो नहीं आए हो ना? सर रट्टा मारेंगे तो सर चेक कैसे कर पाएंगे? आपने प्रैक्टिकल किया ना यहाँ पर चेकिंग? हाँ जी। सो सर अगर हम बात करें, दो फॉल्ट होते हैं, एक ओपन होता है और एक लीकेज। तो अगर हम ओपन के लिए चेक करेंगे तो कौन से मोड में चेक करेंगे? बीप मोड पे। और लीकेज के लिए चेक करेंगे तो कौन से मोड में चेक करेंगे? 200 पे। अगर हम एक लीकेज मोड पे चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? 200 ओम्स पे, ताकि आप उस रजिस्टर की वैल्यू चेक कर सके। थैंक यू वेरी मच, इनके लिए जोरदार तारी हो जाए यहाँ पर। हाँ सो मेरे भाई आप मुझे बताओ 3 तरह के डायोड बताओ। हाँ 3 तरह के। हाँ
हाँ अब चलो ठीक है, अब मुझे बताओ तीन तरह के डायोड बताओ। हाँ हाँ अच्छा, कौन सा डायोड इसमें जिनर डायोड और जो जिनर डायोड होता है और जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें अंतर क्या होता है? सर अंतर होता है कि जिनर डायोड जितना वोल्टेज मिलता है उतना दे देता है उधर, और नॉर्मल डायोड जितना उसी से। यही सही बोला इन्होंने, ठीक है बैठ जाइए। अच्छा मुझे ये बताइए कि नॉर्मल डायोड कैसे लगे होते हैं, किस किस सेक्शन में और किस किस कनेक्शन में लगे होते हैं? नॉर्मल डायोड पैनल में लगे होते हैं सर। पैरेलल सीरीज दोनों में? पैरेलल सीरीज में। तो ये पैरेलल में कहां लगे होते हैं, सीरीज में कहां लगे होते हैं? सीरीज में खाली लाइन सेक्शन में लगे। और पैरेलल में? ऑल सेक्शन में। तो ये अगर मेरे को प्रोटेक्शन का काम करना, ये काम क्या करते हैं जिनर डायोड? प्रोटेक्शन में कब काम करते हैं? प्रोटेक्शन में कब काम करते हैं? और सीरीज में कब काम, क्या काम करते हैं? जब एसी को कन्वर्शन का काम के लिए हमें सीरीज में लगाना है, बाकी हमें प्रोटेक्शन के लिए किस में लगाना है? पैरेलल में लगाना है। अच्छा डायोड की चेकिंग बताओ, डायोड की पहले मुझे फॉल्ट बताओ, चलो तीन फॉल्ट बताओ। और ओपन, तो तीन फॉल्ट आ रहे तो तीन चेकिंग भी होगी। डायोड की चेकिंग बताओ, एक तरफ से बीप आएगी, एक तरफ से रीडिंग, और रीडिंग भी आपको पता है कितने से कितना है, क्योंकि अगर उससे कम और उससे ज्यादा आई तो वो क्या माना जाएगा? लीकेज माना जाएगा। लीकेज की एक और चेकिंग आपको बताई थी, ठीक है आप बैठ जाओ। आपको कैसा लगा यहाँ पे आके बताओ? ठीक लगा, सिर्फ ठीक लगा, अच्छा लगा, बस सिर्फ अच्छा लगा। सर बताओ, दिल से बोलो बहुत अच्छा लगा, जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। ठीक और अच्छा नहीं लग रहा है, इधर आओ खड़े हो, ठीक है अंदर से निकालूंगा मैं तुम्हारे। क्या हाँ, पसीना निकाल के पड़ा है भैया, ठीक अच्छा नहीं लगना है, समझ में आ रहा है। कैसा लगा सर बताओ, प्रेशर देके तो नहीं बोल रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, प्रेशर देके तो नहीं बोल रहा हूँ? बोल रहा हूँ। नहीं बोल रहा हूँ एक्चुअली सर, एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं थोड़ा कैमरा कॉन्शियस होते हैं, समझ में आ रहा है? सो अभी वैसे तो खुले होते हैं पर कैमरे के सामने थोड़ा सा उनको लगता है कि हाँ हाँ बीवी देख रही है अभी। ले वाह, हमारे साथ तो तेरे बोले नहीं, ठीक है थैंक यू वेरी मच। आपके साथ करे होते हैं, आप मुझे बताओ कॉइल कितने प्रकार के होते हैं? कॉइल चार प्रकार। कौन कौन से? नॉर्मल कॉइल, गुड कॉइल, अपना कपलर, फिर ड्यू कॉइल। कौन से कॉइल में सीरीज में लगे होंगे, बाकी कॉइलों का नहीं कह सकते सर? अपना ड्यू कॉइल और कपलर बूस्ट, हाँ ड्यूल कॉइल और कपलर और बूस्ट, ये कॉइल सीरीज में होते हैं, बाकी कॉइल पैरेलल भी होते हैं। और क्योंकि पैरेलल लगे होते हैं नेटवर्क सेक्शन में, जैसे भी आप देखेंगे आज अपना नेटवर्क सेक्शन ही है। तो सर मुझे बताओ कॉल को, कॉल में क्या फॉल्ट आते हैं बताइए? कॉल में लीकेज और ओपन होते हैं। अगर अब मैं आपको बताता हूँ, अगर कॉल लीकेज हुआ तो कैसे चेक करेंगे, कौन से मोड में रख के चेक करेंगे, सब इतना बता दो। 200 ओम्स में चेक करेंगे। अच्छा ये बताइए कि अगर मान लीजिए एक रजिस्टर उखड़ गया है सीपीयू के बगल से और टिप्सी खाली है, तो आपको कैसा पता चलेगा कि वहां पर रजिस्टर लगाऊं कि वहां पर जंपर लगाऊं कि क्या लगाऊं वहां पर बताओ? वहां पर सर पहले अपने कूल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ तो देखना पड़ेगा सीरीज है पैरेलल है। हाँ तो अगर सीरीज में तो जंपर कर दे। हाँ पैरेलल है तो हाई वोल्टेज रजिस्टर लगा दे। और अगर सीरीज में भी आपको चेक करने को बताया था एक चीज कि सीरीज में भी अगर आपको ये चेक करना है जो आपको पता है, तो अगर वहां पे वो चेकिंग आपकी आई तो वहां पर आप वापस वहां पे हाई वैल्यू का क्या लगाओगे? नहीं तो दो लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी, दो प्लस प्लस की लाइनें शॉर्ट हो जाएंगी। सो आपको कैसा लगा यहाँ, क्या बता बता, आपका नाम क्या, आप कहाँ से आए थोड़ा बताइए? हाँ अच्छा जोरदार तालियां हो जाए। आप जब पहली बार यहाँ आए थे और जब आपने पहली बार यहाँ क्लास ज्वाइन करने से पहले जब आपका एक दिन होगा, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कितने आपके दिमाग में चल रहे होंगे चीजें, और अब आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही है? हाँ हाँ क्या होगा, सीखने को मिला कि नहीं मिला यहाँ पर, यहाँ पर चलिए ठीक। जो घर में बैठे वो घर में ना बैठे, जाइए जाइए फायदा है। अच्छा ये बात बताइए, बाकी में जैसे कि हिमांशु ने बताया 13 साल से काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे थे पहले? 2-2.5 साल से। आपने 2.5 साल आपने भी 13 साल अगर बैठ जाते, सच बताओ तो ये नुकसान नहीं होता क्या आपका? है ना, मैंने आपको आप इसके बाद आईफोन सीखने जा सकते हैं। जैसे हिमांशु मैंने आपसे बोला कि बहुत जल्दी ऐसा टेलीकॉम कुछ नया लाने वाला है,
बहुत बड़ा सरप्राइज आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है यहाँ पर, इंडिया का बिगेस्ट यहाँ पे सरप्राइज आने वाला है, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे बताऊंगा, अभी मैं नहीं बोल सकता। सो सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी आपका जो कि हाँ मैं आऊं यहाँ पर, डिसीजन सही था यहाँ पर? बहुत बढ़िया डिसीजन था सर, मैंने अच्छा मेरे वीडियो आते थे तो रात में ही आते थे, क्यों रात में क्यों आते हैं मेरे वीडियो, का रीजन पता चला आपको आज? काम की चीज है। तो यहाँ पर ये जो सारी कन्वर्सेशन हो रहा है, सारी चीजें बातें हो रही हैं, ये क्या आपके लगता है कि हाँ ये जो चीजें मैंने प्रैक्टिकली की है यहाँ पर लाइफ में मेरे को बनेगी आगे मैं जब करूंगा तो? ये सर फ्यूचर जैसे कह रहे एक नंबर से 100 नंबर फ्यूचर बढ़ा दिया। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपके लिए जोर जाता। आप मुझे बताइए अगर बैटिंग करेक्टर, एक लास्ट क्वेश्चन इसके बाद में आंसर करेंगे क्योंकि 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, मैं बता दूं कि बहुत सा लंबा वीडियो लोग नहीं देखते, बोलेंगे भी बार बार कि सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन नीचे दिख रहा है। बताइए बैटिंग करेक्टर उखड़ जाए तो क्या करने का, बताओ पूरी प्रोसेस। इसको पहले नजदीक के कंपोनेंट्स देखना पड़ता है। हाँ कौन कौन से कंपोनेंट, क्योंकि बहुत सारे लगे होते हैं। साले और जीजा को सो सर कैसे देखेंगे, मान लो 4 साले लगे हुए तो मुझे कैसे पता कि कौन सा साला ही एक्चुअल में वही कंपोनेंट है? डीसी से चेक करने से पहले भी आपको कंपन को रीडिंग चेक करना है, रीडिंग कितने से कितना बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। 450 मिनिमम से मैक्सिमम कितनी है? 700 कितने तक जाता है? 600 तक जाता है। अगर मैं बोलूं कि सामने के कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा, सिर्फ पावर आईसी पे खेल हो गया है, और पावर आईसी पे आपको 3 साले दिख रहे हैं और तीनों पर एक में 351, एक में 352, एक में 353 आ रहा है, तो हम कैसे किस वे से हम अपने फोन को ऑन करेंगे? बिल्कुल ये सही बताया तो सही, ठीक है थैंक यू वेरी मच। आपको कब का नाम क्या है? विदार्थ। आप ये बताओ आप आईफोन सीखने क्यों नहीं गए यहाँ पे, एंड्रॉइड सीखने क्यों आए, रीजन बताइए। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मेरा सवाल यह था कि आपने तो बताया कि ये कर सकते हैं, तो आप आईफोन सीखने जा सकते थे, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैं आईफोन सीख लूं, तो क्यों आपने एंड्रॉइड को सीखा पहले और फिर आईफोन को सीखा? मेरा जवाब आंसर ये था, मेरा क्वेश्चन ये था। पहली बात तो काम इससे बहुत फर्क है, पर कंपोनेंट का नॉलेज बहुत जरूरी है, आईफोन करने से पहले एंड्रॉइड बहुत जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा। ये एंड्रॉइड को जानने का क्या है? एंड्रॉइड का पहले बेसिक कंपोनेंट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एंड्रॉइड के अलावा आईफोन में भी कंपोनेंट ही है सबसे पहले। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप ये क्लास अटेंड नहीं करते और सीधे आईफोन सीखने चले जाते तो क्या नुकसान होता आपका, बताइए? पैसे टाइम काम सीधा नहीं कर पाते। सिर्फ आईसी सिर्फ A8 CPU A9 A10 CPU को निकाल कर लगाने से सीखना सीख नहीं होती सर, पूरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। हर बात थोड़ी ना A8 निकालोगे, हर थोड़ी ना CPU को स्वैपिंग करोगे, नहीं डाल सकते सर। आपको डायग्नोस करना नहीं आएगा, मेन है डायग्नोस करना, फॉल्ट फाइंडिंग, जो आप नहीं सीख सकते 7 दिन के अंदर जब तक आपने पूरा अपना एंड्रॉइड नहीं सीखा। तो मैं सारे आईफोन सीखने वाले भाइयों से यही कहूंगा कि अगर आप काम सीख रहे हो तो पहले क्या सीख लो, एंड्रॉइड। अब मैं बोलता हूं मेरे पास मत आओ, दुनिया में कहीं भी जाओ पर जाओ पर सीखो जरूर, ठीक है? और उसके बाद में फिर एंड्रॉइड आईफोन सीखने में अच्छा मजा भी आएगा, इजी हो जाएगा क्योंकि एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। अभी आपने नवा कोई आईसी बिठाई नहीं है, कोई आईसी रिबॉल किया नहीं है और सीधे आईफोन का सीपीयू रिबॉल करोगे तो ये तो फिर पैसा बर्बादी की बात है सर, ठीक है थैंक यू वेरी मच। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। एक यहाँ पर बताइए आप इनका साइज के हिसाब से इनका नाम होगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख तौफीक है। बिल्कुल बहुत अच्छा नाम है आपका, महाराष्ट्र। आप ये बताइए क्या आप करते थे और क्यों यहाँ इसे टेलीकॉम को ज्वाइन किया सबसे पहले? सर मैं 2-3 साल से काम कर रहा था। हाँ बट हार्डवेयर की नॉलेज कुछ भी नहीं थी। हाँ तो मैं सोचा था कि हार्डवेयर सीख लूँ। हाँ तो मैं 2-3 जन से रायम शुरू लिया। हाँ तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि एशिया टेलीकॉम का है, और तो मैं आपकी वीडियो पूरे यूट्यूब पे वीडियो देखा तो उसमें मुझे एक्सपीरियंस आया कि यहाँ पे मैं सीख सकता हूँ, बाकी कहीं नहीं सीख सकता। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आने के लिए 3-4 महीने से वेट करा और उसके बाद मुझे आज मुझे यहाँ सीट मिली। अच्छा शेख मुझे ये बताओ आपकी यहाँ पर
आप आए पहले दिन और अब के दिन में कितना अंतर हुआ, दुर्गेश सर, फिरोज सर और जो मैंने आपको पढ़ाया उसको आपको कितना आपको बेनिफिट हुआ उस चीज से? तो पहले आया था तो समझा ही नहीं था, बाद में सर थोड़ा थोड़ा करके जब समझ में आया कि मोबाइल में इतने सारे कंपोनेंट, इतने सारे पार्ट है, इसे अलग अलग टाइप के काम करते हैं, तो सर अब समझ में आ रहा है कि मोबाइल ये सब जरूरी है। आप पहले सॉफ्टवेयर पे काम करते थे? पहले सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे, सिर्फ सॉफ्टवेयर काम करते थे। सो हार्डवेयर में जब आपने शुरुआत ली तो आपको शुरू में डिफिकल्ट लगा, एक दिन दो दिन आपको लगा कि डिफिकल्ट है, दो दिन लगा कि बहुत हार्ड जाएगा, क्योंकि हाँ क्योंकि आपने लाइफ में देखा ही नहीं पहली चीज। तो फिर अब आपको क्या लगता है, अब वही कंपोनेंट अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी नए स्टूडेंट को सिखा दो तो सिखा दोगे कि नहीं सिखा दोगे? बिल्कुल, मतलब अगर मैं उससे बोलूं कि यार ये रजिस्टर्ड है, ये बोर्ड है, इसमें पूरे कंपोनेंट को सिखाना है, कल मैं उससे पूछूंगा कि रजिस्टर कैसे चेक करना है तो वो चेक कर लेगा? पक्का? क्या आप बताओ, आप क्या आप सिखा नहीं सकते क्या? आप में से कौन कौन लोग सिखा सकता है किसी को? सर तो ये जितने भी इंस्टीट्यूट बचे हुए हैं उनको सिखाने आप लोग जाएंगे। सो यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि BSI का बात करते हैं, अच्छा बैटरी के साथ भी क्या क्या एरर आ सकते हैं? सर दो टाइप के एरर आएंगे। कौन कौन से? बैटरी एरर आएगा और लो टेम्परेचर आएगा। अगर मैं आपसे, क्योंकि लो टेम्परेचर हम ये नहीं बोल सकते सर थर्मिस्टर से ही आ रहा है, क्योंकि वो बैटरी से भी आता है। एक बैटरी, एक मोबाइल फोन में चार कनेक्टर, चार टर्मिनल है कनेक्टर में। सो कौन कौन से वो होंगे, कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि इसमें BSI भी है, BTEM भी है। सो मैं कैसे पता करूं कि BSI कौन सा है और BTEM कौन सा है, ये आपको पता है? हाँ सर, हाँ। मतलब कोल्ड टेस्टिंग से पता चल जाता है, कोल्ड टेस्टिंग पता चल जाएगा कि कौन सा BSI है और कौन सा BTEM है, ये हमें पता चल जाता है। सो तीन जो फॉल्ट आते हैं उसमें अगर ओपन हुआ तो क्या दूर होगे? ओपन हुआ तो सीरीज, और अगर शॉर्ट हुआ तो सर पैरेलल, और अगर लीकेज हुआ तो फिर सर दोनों, तो पता है सारे कंपोनेंट कौन कौन से लगे होते हैं? अगर मान लीजिए एक ओपन कंडीशन है और लाइन नहीं मिल रही है और पता है हमें पावर AC पे काम करना है, तो सर उसका जुगाड़ क्या है आपको पता है यहाँ पर? तो आप वो जुगाड़ बैटरी कनेक्टर पे करके अपना बैटरी का माइनस आ रहा है या फिर आपका बैटरी का पॉज आ रहा है, कुछ भी जो फॉल्ट आ रहा है बैटरी से, वो एरर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? वो बिल्कुल निकल सकता है, वो BSI की वजह से आता है जो कि बताया गया है। चलिए ठीक है, तो आपको यहाँ पर सही है, बहुत मजा आ रहा है, टी शर्ट आ गई आपको, लग नहीं रहा था टी शर्ट आएगी, इनको बोला था दो बाजू वाले फाड़ कर ले आना। इसी के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को, और ये वीडियो सिर्फ हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट 5 दिन में कितना सीखे यहाँ पर, और ये 30 दिन की क्लास है, बता दूं 5 दिन की क्लास नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ 7-5 दिन की क्लास है, कितने दिन की क्लास है? पूरा महीना भर की क्लास होती है सर, पूरा महीना भर की। और ये आउटपुट कितने दिन का है? 5 दिन का। 5 दिन का आउटपुट लिया है, बाकी में सच बताओ, क्योंकि देखा जाए तो आपको रिंगर सेक्शन भी करवा दिया है, माइक भी करवा दिया है, डिस्प्ले भी करवा दिया है, टच भी करवा दिया है। अगर मैं टच में पूछना चाहूंगा, कौन बताना चाहेगा, अगर मेरे को आप बताना चाहेंगे, सो आप मुझे बताओ, अगर मेरा टच नहीं काम कर रहा है तो मैं सबसे पहले किसको दूरूंगा? बकरे को दूरेंगे। किसको दूरेंगे? बकरे को दूरेंगे, और बकरे के पास देखेंगे कि कितना चारा है। यस सर। चारा देखेंगे, और चारा नहीं मिल रहा है तो उसको बाईपास भी कर सकते हैं, और हमें यह भी पता है कि वो किस लाइन पे जा रहा है। सो डायरेक्ट अगर 2 PM है और PMI है तो कौन सी AC पे जाएगा? PM पे जाएगा। क्या नाम है आपका? संजय। के लिए जोरदार तालियां बजा दो। तो थैंक यू वेरी मच, इसी के साथ में मिलते हैं और आपके साथ में सब्सक्राइब करते रहो। तो इसके साथ ही इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। तो मेरा बाजू वाला काम कर रहा था तो उसे करवाते थे आप? हाँ। तो आपने एशिया टेलीकॉम को चुना, यहाँ आए पहले दिन और अब के में कितना अंतर है, क्या आप सेटिस्फाई हैं यहाँ आकर? ये बता दो। मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। बिल्कुल सेटिस्फाई हैं यहाँ पर? तो पहले दिन और अब अभी आप बाजू वाले को काम दोगे कि नहीं दोगे? क्या बोल, बाजू वाला मेरे पास आके अभी करेगा? हाँ। अच्छा, आपने वीडियो तो बहुत सारे देख रहे होगे, तो हमारी भी चीजें क्या अच्छी लगी आपको, मतलब कि आपने हमको ज्वाइन किया? सर आप लोगों का मतलब पढ़ाने का शैली वो सब अलग शुरू से, और अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा टेलीकॉम बेस्ट है तो वो सब बोलते हैं सब एशियन टेलीकॉम बोलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि सब ये पूछते, इन्होंने रिव्यू भी किए लोगों से, अब वो ये बोलते हैं कि एशियन टेलीकॉम बेस्ट है, इसलिए आप यहाँ आए। वहाँ से सेट में अटक जाता था, अगर मेरे पास पूरा सेट बन के नहीं जाता था, रिटर्न हो जाता था कस्टमर, तो फिर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के लिए एशियन टेलीकॉम आया था 28 अगस्त की बैच में। एक महीना पूरा पढ़े आप? पूरा पढ़ा सर, उसके बाद मैं तो घर में जाके
बहुत से सेट बनने पूरा पूरा सेट बनने लगा लगभग, और कुछ कुछ सेट अटका जो इमेंसी से प्रॉब्लम था, और वो सेट क्योंकि डेड मोबाइल है आपके पास में, जेटेक नहीं, यूफाई नहीं है, अभी आप कितनी एसी को रिवॉल्व चेंज करोगे, क्योंकि आपको ईएमसी चेक करने के लिए तो ये बॉक्स चाहिए ना। हाँ सर, तो मेरा यूफाई जेटेक में कोई नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास बॉक्स भी नहीं था, आईएसपी और ये ऑनलाइन वाले सेट भी नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सर, तो फिर मैं सोचा कि मैं इस में अटक रहा हूँ, मतलब बेस्ट मेरे एशिया टेलीकॉम से मिला है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो फिर बेस्ट मेरे को लगा कि ईएमसी में यही से करूँ एशिया टेलीकॉम से। अच्छा तुम्हें अच्छा कब से काम कर रहे हैं? सर मेरा कॉन्फिडेंस छह साल से कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं चार साल से चीफ लेवल का काम करने के लिए कोशिश कर रहा था सर, हाँ, से, हाँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था सर। मतलब आप समझ गए कि ये काम को सीखने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी जरूरी है सर। जी सर, क्योंकि अकेले से सर्टिफाइड नहीं हो पा रहा था, सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आप YouTube से देखकर कितना सीख सकते हो सर? YouTube से तो सर छोटा छोटा कर सकते हैं, लेकिन अपडेट हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, कुछ चीजों का पता लग सकता है, पर सर प्रैक्टिकली नॉलेज तो जाकर पता चलता है। तो ये चीज आप बताओ, आज और पहले दिन में कितना अंतर है? सर बहुत अंतर है सर, अभी तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मैं 100% कर रहा हूँ। सो पहले दिन और आपके मैं आपको वाकई में जो आपने सोचा था कि मैं उड़ीसा से इसे टेलीकॉम आऊँ और यहाँ सीखूँ, तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जो यहाँ पे आपने इसे टेलीकॉम की टी शर्ट पहनी है वो दिल से पहनी है कि नहीं पहनी है? पहनी है। ठीक है, पहले क्या था सर, इसमें कोई फोन बनाया फुल शॉटिंग तो बना लेता है, अब शॉटिंग क्या होता है कि मैंने मतलब कंपोनेंट खराब हो तो मैं पावर ऐसे निकाले और एक नहीं था परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है। कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है, जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आपको ही नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था, आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है, अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं, और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया, तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो सर्किट बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए वो टेक्नीशियन लोग, तो वो भी अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे? तो मैं यहाँ पे गए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मिल गया, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?
पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो करने मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है, हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हैं हाँ हमें बोलना है, कहेंगे के लिए बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हमको भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है कि उसको चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो देखा और यहाँ पे आया तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड हैं सर? 100% सेटिस्फाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल हो सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी मैं हर एक फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, हाँ तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सकते इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और बैठे हो मैंने। अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का क्या उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Monsoon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.